नमस्कार, मैं हूं आलोक। श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक और मनोरंजक नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। मैं आपको इस वीडियो में खेल खेल में शिक्षा से संबंधित उत्तराखंड के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक बहुत ही मनोरंजक नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस नवाचार का नाम है कोकला के पाके जी। बच्चों को खेलने में बहुत मजा आता है। अगर खेलने के साथ साथ कुछ ज्ञानवर्धक चीजें मिल जाए तो बच्चों का माइंड और ज्यादा कैप्चर करने लगता है, बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिल जाती है। और जो भी खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता है वो बच्चों के दिमाग में आसानी से बैठ जाता है। तो उत्तराखंड के नवाचारी शिक्षकों ने इसीलिए इसी गेम का निर्माण किया। इस गतिविधि का नाम ही है कोकला के पाके जी। अब मैं इसकी क्रियान्वयन की बात करता हूँ। सबसे पहले शिक्षक क्या करते हैं, पाठ को पढ़ाते हैं। पाठ को पढ़ाने के बाद वो क्या करते हैं कि जितने छात्रों की संख्या रहती है उसमें पाठ में से ही कुछ क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं छात्रों की संख्या के अनुसार। जब प्रश्न उत्तर तैयार हो जाते हैं तो बच्चों को क्या करते हैं, ग्राउंड में लेके आते हैं। ग्राउंड में सब गोल घेरे में खड़े हो जाते हैं, फिर फासला दे देकर उनको बैठा दिया जाता है। फिर एक बॉक्स बना लिया जाता है, उसमें से पर्चियां रखी रहती है, तो सभी छात्र एक एक क्वेश्चन की पर्ची ले लेते हैं। पर्ची लेने के बाद क्या करते हैं कि जो एक शिक्षक एक छात्र को खड़ा करते हैं, फिर वो कहते हैं कि आप गोल गोल घूमते हुए उस प्रश्न को पढ़ेंगे। जो छात्र रहता है गोल गोल घूमते हुए प्रश्न को पढ़ता है, जिस गोल घेरे में से छात्र को उसका आंसर पता रहता है तो अपनी जगह पे क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं और उसका उत्तर देते हैं। फिर वो पहले वाले जो छात्र है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, अगर वो पकड़ लेते हैं तो फिर वो पहला वाला छात्र क्या कर दिया जाता है, बैठा दिया जाता है। इसी प्रकार क्या होता है, अब जो दूसरा वाला छात्र है फिर वो क्वेश्चन पूछेगा गोल घेरे में घूमता घूमता, और जिस छात्र को क्वेश्चन पता होगा गोल घेरे के समूह में, वो छात्र खड़ा हो जाएगा और उसका आंसर देगा। ये प्रक्रिया चलती रहती है। बच्चों के अंदर हीन भावना ना आए तो सभी बच्चों को इसमें क्या बना दिया जाता है, विजयी बना दिया जाता है। और इससे बच्चों को बहुत ज्ञानवर्धक चीजें मिल जाती है। आशा करता हूँ कि आप भी ये नवाचार अपने विद्यालय कक्षा में जरूर क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई दिलचस्प नवाचार हम आप तक लेकर आते रहेंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमारा ZIIEI YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत